वेलकम बैक अवर नेक्स्ट टीवीज क्लास. सो स्टूडेंट्स, टुडे विल डूइंग अवर टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट नंबर इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी. इज लाइट एनर्जी का मेन सोर्स है पेट्रोलियम, कोल, सन. सो आंसर इज सन. सेकेंड, इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. एक प्रकार का रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, विंड, कोल, ऑयल. सो आंसर इज विंड. ओके. थर्ड, एनर्जी जनरेटेड बाय मूविंग वाटर इज. जो एनर्जी जनरेट होती है बहते हुए पानी से, उसके द्वारा क्या होती है, कौन सी एनर्जी जनरेट होती है? सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या विंड. सो आंसर इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ओके. फोर्थ नंबर इज डैश, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मसल्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. जो एनर्जी एनिमल्स के मसल्स में और ह्यूमन बींग्स में स्टोर होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं केमिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी या हीट. सो आंसर इज मस्कुलर एनर्जी. ओके. नाउ नेक्स्ट इन फिल इन द ब्लैंक्स. सो फर्स्ट इज एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू. जो एनर्जी होती है वो हमें कैपेसिटी देती है, क्या करने की कैपेसिटी देती है? सो आंसर इज वर्क. सेकेंड, इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी का रिन्यूएबल सोर्स है. सो आंसर इज द सन. ओके. थर्ड, साउंड इज द डैश ट्रांसमिटेड थ्रू अ सॉलिड लिक्विड और गैस. जो ध्वनि किसी सॉलिड लिक्विड और गैस में ट्रांसमिट होती है वो किसके थ्रू होती है? आंसर इज वाइब्रेशन. उसे क्या बोलते हैं हम? वाइब्रेशन. ओके. फोर्थ, ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी कम्स फ्रॉम द. अधिकतर जो ऑलमोस्ट हमें एनर्जी मिलती है वो हमें किससे मिलती है? आंसर इज सन. फिफ्थ, ऑल मेटल्स आर मेड अप ऑफ. जितने भी मेटल्स हैं सब किन से बने होते हैं? आंसर इज एटम्स. के एटम्स मीन्स अणु. नाउ नेक्स्ट इज विंड एनर्जी. ट्रू और फॉल्स? विंड एनर्जी इज यूज बाय प्लांट्स टू मेक फूड. विंड एनर्जी प्लांट्स में खाना बनाने के लिए यूज होती है. स्ट्रेट फॉल्स. के सेकेंड, सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी. सनलाइट जो है लाइट एनर्जी का मेन सोर्स है. स्टेट ट्रू. थर्ड, ऑल एनर्जी कम्स फ्रॉम द अर्थ. सभी एनर्जी हमें अर्थ से मिलती है. स्टेट फॉल्स. एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. एनर्जी कभी ट्रांसफर्ड नहीं हो सकती है. स्टेट फॉल्स. फिर, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज टू रन विंड मिल्स. इलेक्ट्रिक एनर्जी का उपयोग हम विंड मिल्स को चलाने में करते हैं. स्टेट फॉल्स. ओके. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट नंबर इज केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी सेल और बैटरीज में यूज होती है. मैकेनिकल एनर्जी रोटेटिंग सीलिंग फैन. ओके. इलेक्ट्रिकल एनर्जी आंसर इज वॉशिंग मशीन्स. लाइट एनर्जी सनलाइट. विंड एनर्जी विंड मिल. ओके. नेक्स्ट इज नेम एनी टू डिवाइसेस डेट पोसेस. आपको क्या लिखना है? इन सभी चीजों के दो दो डिवाइडेड के नाम, डिवाइस के नाम लिखना है. सो केमिकल एनर्जी ड्राई सेल, DRYCELL ड्राई सेल, एंड लाइटिंग LIGHTING लाइटिंग मैच स्टिक MATCH STICK. ओके. सेकेंड, सोलर एनर्जी सन एंड सोलर SOLAR सोलर, कुकर COOKER. कुकर. ओके. इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेलीविजन TELEVISION टेलीविजन. रेफ्रिजरेटर REFRIGERATOR. ओके. रेफ्रिजरेटर. नेक्स्ट इन डिफाइन द फॉलोइंग. सो ओपन यूर कॉपी. राइट, JPTER चैप्टर नंबर 8 एनर्जी ENER GY एनर्जी एंड इट्स सोर्सेस. ओके. सो फर्स्ट नंबर इज डिफाइन DEFINE डिफाइन. फर्स्ट नंबर मैग्नेटिक MAGNETIC एनर्जी. ओके.
लिखिए मैग्नेटिक एनर्जी, द एनर्जी, द एनर्जी पी ओ डबल एस ई डबल ए सी डी फोर्स बाय मैग्नेट्स एम ए जी एन ई टी एस मैग्नेट्स इज कॉल्ड कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी. ओके सेकेंड साउंड एनर्जी. ओके जीवा साउंड एनर्जी. साउंड इज वाइब्रेशन. साउंड इज वाइब्रेशन. ट्रांसमिटेड टी आर ए एन एस ट्रांसमिटेड थ्रू टी एच आर ओ यू जी एस थ्रू अ सॉलिड लिक्विड और गैस. सॉलिड लिक्विड और गैस. साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स कॉज अ ऑब्जेक्ट टू वाइब्रेट वी आई वी आर ए टी ई. ओके देखिए फर्स्ट हमने लिखा है मैग्नेटिक एनर्जी. जब एनर्जी किसी मैग्नेट के थ्रू पास होती है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी. और जो एनर्जी साउंड एनर्जी इज वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड थ्रू. जब कोई एनर्जी सॉलिड लिक्विड और गैस के थ्रू होती है उसे बोलते हैं हम साउंड एनर्जी. इज साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन अ फोर्स. और जो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किसी दबाव के कारण होती है. किसी ऑब्जेक्ट पे जब दबाव पड़ता है उस कारण वाइब्रेट होता है जिससे क्या होता है साउंड निकलता है उसे बोलते हैं हम साउंड एनर्जी. सो स्टूडेंट्स वी विल नेक्स्ट एनर्जी इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.